नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज के एक और धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों, एक बार हम फिर से बात करने वाले हैं बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल के बारे में, जो कि लगभग दो दिनों के इंतजार के बाद सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली। लेकिन ये फिल्म एडवांस बुकिंग में हर घंटे कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बनाते जा रही है और सुपरस्टार रणवीर कपूर के करियर की अभी तक की सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग में कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म उनकी पुरानी फिल्म संजू के रिकॉर्ड को भी तोड़ चुकी है और एडवांस बुकिंग में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है। जैसे कि सुबह हमने आपको बताया था कि ये फिल्म इंडिया से अभी तक लगभग 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग अपने पहले दिन के लिए कर चुकी है, लेकिन कुछ ही घंटों में इस फिल्म की इंडिया से एडवांस बुकिंग लगभग 11.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी। जी हाँ दोस्तों, और ये फिल्म ओवरसीज से अभी तक अपने पहले दिन के लिए लगभग 9.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर चुकी है, जिसे अगर टोटल किया जाए तो सुपरस्टार रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल की एडवांस बुकिंग अपने पहले दिन के लिए लगभग 20 करोड़ की दुनिया भर से हो चुकी है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म अपने पहले दिन लगभग 100 करोड़ तक की भी ओपनिंग लेने की क्षमता रखती है। साथ ही फिल्म का बुक माई शो पर भी काफी अच्छा क्रेज देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि इस फिल्म को बुक माई शो पे लगभग 3,23,000 के आसपास इंटरेस्ट मिल गए थे, लेकिन चंद ही घंटों में इस फिल्म का इंटरेस्ट बुक माई शो पे लगभग 3,35,400 के आसपास हो चुके हैं, जो कि अपने आप में काफी बड़ा रिकॉर्ड है। और इससे आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म का हाइप सोशल मीडिया पे कितना ज्यादा है। साथ ही IMDB की रेटिंग पर भी ये फिल्म काफी दिनों से नंबर 1 पर बनी हुई है। अगर बात करें फिल्म के टोटल टिकट सेल के बारे में, तो फिल्म एनिमल के अभी तक लगभग 3,25,000 टिकट बिक चुके हैं, ये भी अपने आप में काफी बड़ा रिकॉर्ड है। तो आप सभी फिल्म एनिमल को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप सभी को क्या लगता है, ये फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड़ की कमाई दुनिया भर से कर सकती है, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।